आपको बता दें कि रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 15 स्थित रतेरा बंसल बस्ती में आज संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण महापौर अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में स्थानीय निवासी रामवती बंसल द्वारा नरियल तोड़कर फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के बीच एक बार फिर 27 रुपए के खर्च में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुई इस संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि रीवा शहर में कुल 4 संजीवनी क्लिनिकों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिनमें से आज एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। अब इसे संचालित करने के लिए चिकित्सक की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है और स्थानीय विधायक द्वारा आम लोगों की सुविधाओं का ख्याल नहीं किया गया, बल्कि उनके द्वारा शहर की बेशकीमती जमीन को बेचकर आलीशान बिल्डिंग तैयार कराई गई, जो आम लोगों और गरीबों के उपयोग की नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 वर्षों में वह शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य को लेकर कार्य करेंगे। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। वार्ड 15 में संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है, किस संबंध में था? ये 4 संजीवनी क्लिनिक का टेंडर जब हम लोग महापौर बने उसके बाद हम लोगों ने करवाया और 24 लाख के ये संजीवनी क्लिनिक है। ये वार्ड नंबर 15 में एक बना है, एक वार्ड नंबर 4 में है, एक वार्ड नंबर 43 में है, एक वार्ड नंबर 45 में है। और ये संजीवनी क्लिनिक गवर्नमेंट की स्कीम थी मुख्यमंत्री की कि संजीवनी क्लिनिक नगर निगम बनवाए, उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था हम करेंगे। अब ये देखना है कि चुनाव के समय के पहले इसका हमने सारे संजीवनी क्लिनिक को बनवा दिया। आज पहली संजीवनी क्लिनिक है जिसका आज लोकार्पण बाट की हमारी सीनियर रामरती बंसल जो हमारी माता जी हैं, आज उनके द्वारा फीता कटवा कर इसको करवाया गया। हमारी पार्षद श्रीमती नीतू पटेल, उनके पति अशोक पटेल, हमारे मायसी के मेंबर स्वतंत्र शर्मा, हमारे मायसी के मेंबर धनेन्द्र सिंह, हमारे शहर के अध्यक्ष पूर्व पार्षद नकनाल खंडेलवाल जी, हमारे वार्ड 14 के पार्षद रवि भाई हैं, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके नेतृत्व में ये कार्य आज सम्पन्न हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी क्लिनिक संजीवनी नहीं चलेंगे। जिस तरह का इसका नक्शा दिया गया था उस तरह से बन गया है। कार्य बहुत अच्छा कराया है संविदा कार्य के द्वारा और नगर निगम की निगरानी में कार्य हुआ है, हमारे पार्षद की देख रेख में कार्य हुआ है। पर एक बड़ी समस्या है, रीवा में जो रीवा के विकास पुरुष हैं उन्होंने 20 साल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। बगल में ये रानी तालाब के विस्थापित लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको आज तक आवास का मालिकाना हक नहीं दिया गया। झूठी बातें की गई, 2018 में इनको विस्थापित किया, 2008 में इनको विस्थापित किया गया। ये रानी तालाब के विस्थापितों को 2008 में यहाँ पर जब चुनाव था तब रीवा विधायक ने ये बोला था कि आपको निःशुल्क मकान देंगे और आज तक उन्होंने कोई इनकी व्यवस्थाएं नहीं की।